मीडिया जो जानी जाती है अच्छी व बुरी खबर को अपने कैमरे में कैद करके पूरी जनता तक पहुंचाने के लिए, जिससे जनता जागरूक होती है और उन्हें देश व विदेशों की खबरें और गतिविधियों के बारे में पता चलता है। ऐसी ही मीडिया समाचार एक्सप्रेस, जिन्होंने दुर्ग भलाई में लॉकडाउन के वक्त सहायता करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी खबरों को प्रसारित किया, साथ ही प्रसारित करते करते खुद भी प्रेरित हो गए। ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले दुर्ग भलाई की टीम ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिन तक अभी तक शासन प्रशासन की राशन योजना का एक भी दाना नहीं पहुंचा है। फिर क्या था, दुर्ग भिलाई के स्टेट हेड राजेंद्र गाड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए उन लोगों के पास जो वाकई जरूरतमंद है और उन्हें सूखे राशन की किट बनाकर वितरित करने लगे। इस किट में जरूरत का हर सामान मौजूद है जो एक घर में लगता है। यह सिलसिला शुक्रवार को 35 परिवारों को किट वितरण कर समाप्त हुआ। आगे भी इसी तरह से लोगों की पहचान करके उनके घरों तक समाचार एक्सप्रेस दुर्ग भिलाई की टीम पहुंचती रहेगी। समाचार एक्सप्रेस की टीम द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना पूरे शहर भर में की जा रही है। टीम के द्वारा किए जा रहे इस कार्य में उनके काफिले में और भी लोग शामिल हुए, जिनमें तरुण निहाल, जेएम टांडी, धनंजय वर्मा, अनुराग सिंह, सुनील सोनी और संतोष शर्मा उपस्थित थे। यह पूरा कार्य समाचार एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। यहां आपको यह भी बता दें कि समाचार एक्सप्रेस न्यूज टीम दुर्ग भलाई द्वारा इससे पूर्व भी कई जनहित के कार्यों में अपना योगदान दिया गया है, जिसके लिए शहर सहित जिले भर में समाचार एक्सप्रेस दुर्ग भिलाई की टीम सदैव चर्चा में रहती है। जी, मैं राजेंद्र गाड़ी, दुर्ग भिलाई समाचार एक्सप्रेस दुर्ग जिला है। आज मेरी टीम पूरी दुर्ग भिलाई की टीम के द्वारा दुर्ग भिलाई में एकदम गरीब लोग जिन्हें राशन आज तक नहीं पहुंचा है उन तक मेरी टीम के द्वारा सहयोग से जो राशन का पैकेट तैयार किया गया है उसे आज हम लोग 30 से 35 घरों में पहुंचाया है। इसके आगे भी मेरी टीम पूरी लगी हुई है, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ पता कर रहे हैं। आगे भी हम लोग जब तक लॉकडाउन रहेगा ये मदद करते रहेंगे। इसमें हम लोगों ने किसी के सहयोग नहीं लिया है, ये हमारी पूरी टीम के सहयोग से ही ये राशन बांटा जा रहा है, सूखा राशन। राजेंद्र गाले ग्रुप भिलाई है, समाचार न्यूज एक्सप्रेस। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस के दुर्ग भिलाई हेड राजेंद्र गाड़े जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप लोगों ने जो काम किया है और बहुत अच्छा लगा कि आपने जिन घरों में राशन दिया है आज तक उन घरों में उनकी स्थिति को देख के ऐसा लगा कि शासन प्रशासन की योजना वाला जो राशन है वो आज तक पहुँचा नहीं। और कई संस्थाएँ भी भिलाई दुर्ग में कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा भी अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं गया है। और अच्छा लगता है कि एक मीडिया कर्मी, एक मीडिया जो है जो सभी लोगों को कवर कर रही है कि लोग राशन दे रहे हैं, ज़रूरत का सामान पहुंचा रहे हैं, गीला राशन, खाने के पैकेट बांट रहे हैं, और ऐसे में मीडिया कर्मी खुद अपनी टीम की सहायता से अगर ऐसा कार्य करें तो सलाम करते हैं ऐसी मीडिया टीम को। मैं संतोष शर्मा, समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल द्वारा हमारे बड़े भैया राजेंद्र गाड़े के नेतृत्व में सूखा राशन का वितरण किया गया है, जिससे बहुत गरीब और जहां ज़रूरतमंदों द्वारा ये राशन पहुंचाया गया है, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की और दुर्ग भिलाई की पूरी समाचार एक्सप्रेस की टीम द्वारा ये दिया गया है। और काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। और आने वाले समय में लॉकडाउन जिस हिसाब से और चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत से ज़रूरतमंदों की और राशन पहुंचाने की योजना हमारे द्वारा चलती रहेगी। मैं सुनील सोनी और हमारी टीम समाचार एक्सप्रेस टीम द्वारा सुनील सोनी भिलाई दुर्ग से बताएंगे। आज हमारे समाचार एक्सप्रेस की टीम के द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। ये राशन जो है हमने अपने साथियों जो समाचार एक्सप्रेस की टीम है उन्होंने स्वयं मिलकर किया। इसमें किसी नेताओं का, किसी प्रशासन का, किसी प्रकार का सहयोग हमने नहीं लिया। हमारे जितने मेंबर्स यहाँ भिलाई दुर्ग के हैं हमने उनसे सहयोग प्राप्त किया। उस सहयोग की राशि से जितना सामग्री हो सके ज़रूरतमंद तक रिसाली के क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में बांटा गया। 35 से 40 पैकेट का भी हमारा रेशियो है जिसमें हम रिसाली क्षेत्र में आधा बांटे हैं और आगे प्रक्रिया में हम बांटते रहेंगे।
हम मीडिया वाले आपसे यही सहयोग करेंगे। अब यहाँ बहुत सारी मीडिया हैं, अपने अपने तौर पर सब तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन सामने मीडिया आके जो सेवा करना चाहती है उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर एक मीडिया सामने आए और चिन्हित जगहों पे जाके, ना कि अचिन्हित जगहों पे जाके, हर जगह जहाँ पे अपने आप में, जहाँ आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जहाँ आप लिखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर खुद एक परिवार को देख के आइए, वो एक परिवार आपको 10 परिवार देगा, उस परिवार को आप राशन पहुँचाइए। यही मेरी सार्थक अपील है। धन्यवाद जी। बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप समाचार एक्सप्रेस की टीम द्वारा? जो एक्सप्रेस द्वारा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। और जो कोरोना महामारी जो चल रहा है, इससे जो निचले स्तर के परिवार काफ़ी झेल रहे हैं, उसमें से राजेंद्र गाड़े और सुनील और उनकी पूरी टीम, जिस तरह का सहयोग किया गया वो तारीफ के काबिल है। और इस तरह का हमेशा होते रहना चाहिए जरूरतमंदों को, क्योंकि कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं। और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जरूरतमंदों को ये सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम जयम तांडी। रिसाली के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सूखा राशन का व्यवस्था किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से ही मदद दिया गया। समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे बड़े भाई राजेंद्र गाड़े जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में आज बहुत अच्छा जनमानस का सेवा और कार्य किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों के घर पहुंचकर उनका देखभाल देखा गया और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको राशन और आर्थिक मदद दिया गया है। और आगे भी उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से कि राजेंद्र भैया जैसे समाजसेवी से और राजेंद्र भैया जैसे अच्छे लोगों से प्रेरणा लेके समाज में और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें और सभी को मदद करें। ऐसे विषम परिस्थिति महामारी के समय में आज देश में काफ़ी ज़्यादा हालात बिगड़ चुकी है और रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोगों का जीना दुभर हो चुका है। शासन प्रशासन तो ध्यान दे ही रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी नैतिकता के तौर पे हम लोगों की भी है कि हम लोग उन तक पहुँचें और उन लोगों का मदद करें। इसी के साथ आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि समस्त भिलाई दुर्ग और छत्तीसगढ़ वासियों से इनके आसपास में रहने वाले जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ समाचार एक्सप्रेस के सभी टीम को और बड़े भाई राजेंद्र गाड़े जी को। धन्यवाद। आपका नाम और परिचय बता देंगे? मेरा नाम तरुण कुमार निहाल, नेशनल वुमेन वेलफेयर काउंसिल का मैं राष्ट्र चेयरमैन हूँ, प्रदेश चेयरमैन हूँ और देव मानव सेवा ट्रस्ट का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.